दोस्तों, भगवान शिव को विनाश का देवता भी कहा जाता है, लेकिन ये भी सत्य है कि किसी भी वस्तु का विनाश उसके निर्माण के बिना संभव नहीं है। इसलिए जिसके पास विनाश की शक्ति है, उसी के पास निर्माण की भी शक्ति होती है। अर्थात भगवान शिव ही रचयिता व विनाशक है। वे साक्षात परम ब्रह्म व देवों के देव महादेव है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। दोस्तों, शिव जी ने अपनी तीसरी आंख या तो क्रोध स्वरूप खोली है या विश्व के कल्याण के उद्देश्य से। हम सभी ने शिव की तीसरी आंख के बारे में कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन फिर भी ये एक रहस्य सा ही लगता है। शिव जी का नाम और उनके आदि योगी स्वरूप को देखकर एक ऐसी सुखद अनुभूति होती है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख ने अभी तक जिसे भी देखा वह भस्म हो गया। तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न ये आता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने पर इस संसार का विनाश हो जाता है, क्या यह बात सच है? अगर सच है तो ये फोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि योग शास्त्रों में भगवान शिव की तीसरी आंख को सिंबल ऑफ अवेयरनेस क्यों कहा गया है? और दूसरा प्रश्न यह है कि कई लोग भगवान शिव की तीसरी आंख को एक विध्वंसक शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उसी आंख में निर्माण करने की भी शक्ति है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़े इन सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़े इन सभी रहस्यों को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को किस संदर्भ में और क्यों खोला था। दोस्तों, शिव पुराण के रुद्र संहिता भाग में विस्तार से बताई गई घटनाओं पर जरा ध्यान दिया जाए तो यह समझ आएगा कि भगवान शिव ने कुल 3 बार अपनी तीसरी आंख को खोला, जिसके साथ 3 अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें सबसे पहली कथा तब की है जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे उनका अपमान हुआ था। अपने पति का अपमान देखकर माता सती इतनी क्रोधित हो गई थी कि उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। माता सती के देह त्याग से भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने मोह माया से नाता तोड़ दिया। वे लंबी ध्यान साधना में चले गए। भगवान शिव कई वर्षों तक ध्यान में लगे रहे। इधर सभी देवतागण ताड़कासुर के अत्याचार से पीड़ित हो गए थे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इतना बताया कि ताड़कासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकता है, क्योंकि असुर ताड़कासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे शिव पुत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता था। इस कारण सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। अब समस्या यह थी कि वैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती से विवाह हो और शिव पुत्र जन्म ले। विश्व कल्याण के उद्देश्य से सभी देवताओं ने महादेव को साधना से जगाने का निर्णय लिया, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था। ऐसे में स्वयं कामदेव सामने आए और उन्होंने शिवजी को जगाने की ठानी। इसके लिए वे शिवजी के पास गए और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाकर महादेव की ओर चलाया। इस तीर के प्रभाव से भगवान शिव की साधना टूट गई और अपनी साधना के टूटने से भगवान शिव इतने अधिक क्रोधित हुए कि उनकी तीसरी आंख खुल गई। इस तीसरी आंख के खुलने से उस आंख से एक भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई। उस आंख से निकली ज्वाला के प्रकोप में कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। इसके बाद शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ और अंत में ताड़कासुर का अंत कार्तिकेय के हाथों ही हुआ। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। तो अब दूसरे प्रश्न का भी उत्तर जान लेते हैं। दोस्तों, कई लोग शिवजी की तीसरी आंख को एक विध्वंसक शक्ति के रूप में भी देखते हैं, मगर यह कोई नहीं बताता कि उसी आंख में निर्माण करने की भी शक्ति है। इसी विषय को बताने और स्पष्ट करने वाली घटना शिव पुराण में 2 जगहों पर बताई गई है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब माता पार्वती और महादेव का नया नया विवाह हुआ था, तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ खेलने के उद्देश्य से पीछे से उनकी दोनों आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर दिया। माता पार्वती के द्वारा शिव जी की दोनों आंखें बंद करने से पूरे विश्व में अंधकार छा गया, वह जीवन रुक गया। तब विश्व को बचाने और उसे ऊर्जा देने के उद्देश्य से भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। इस समय तीसरी आंख किसी के विनाश के उद्देश्य से नहीं, अपितु विश्व कल्याण के उद्देश्य के लिए खोली गई थी। इस
उत्पन्न हुई ऊर्जा से एक अंधे बालक का जन्म हुआ और वही अंधकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों अगली कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र व गुरु बृहस्पति भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए थे। तब भगवान शिव ने देवराज इंद्र की परीक्षा लेनी चाही। जब इंद्र और बृहस्पति कैलाश पर्वत को जा रहे थे तो शिव जी रास्ते में सन्यासी के रूप में सामने आए और उनका रास्ता रोक दिया। इस पर इंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। शिव जी की बदली हुई वेशभूषा को देखकर इंद्र ने दोबारा पूछा, परंतु शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे इंद्र को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण इंद्रदेव का अहम जाग उठा और उन्होंने क्रोधित होकर भगवान शिव पर अपना वज्र चला दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और इसी क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस समय गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनके द्वारा बीच बचाव करने पर भगवान शिव शांत हुए और देवराज इंद्र की जान बच सकी। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को नीले सागर की ओर घुमाया। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली ये ऊर्जा समुद्र में प्रवेश हुई, जिससे एक शिव पुत्र जलंधर का जन्म हुआ। दोस्तों जलंधर और अंधकासुर दोनों की बहुत बड़ी कहानी है। दोनों अलग अलग समय में असुरों के राजा बने और अंत में भगवान शिव के ही हाथों उन दोनों की मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये थी तीन घटनाएं जब भगवान शिव जी को अपनी तीसरी आंख खोलने पर विवश होना पड़ा था। दोस्तों भगवान शंकर उस आंख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब वे तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवर्ती से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती है। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख को परलय भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। दोस्तों शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिनमें दाएं नेत्र सत्व गुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की तीन आंखें होती हैं। जहां दो आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक में मध्य होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती। दोस्तों तीसरी आंख का वैज्ञानिक रहस्य क्या है ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया है, या अब वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो शिव जी की तीसरी आंख खुलने से इच्छाओं पर रहे जोश का अंत हो जाता है, और यदि उस समय थोड़ा भी ध्यान भटका तो कई सारी विनाशकारी शक्तियां भी उत्पन्न हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर मनुष्य में ना रहने वाली इस तीसरी आंख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मनुष्य में मौजूद दोनों आंखें फिजिकल अंग हैं, मगर तीसरी आंख वाला कंसेप्ट को देखा जाए तो वह फिजिकल अंग नहीं है। इस तीसरी आंख को खोलने वाला अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समझ सकता
होता है और यह कोई मैजिक नहीं है बल्कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन को हासिल करने की प्रक्रिया है। यह एक फिजिकल अंग न होने के कारण इसे एक तरह का सुपर ह्यूमन एबिलिटी भी कह सकते हैं। लेकिन इस सुपर ह्यूमन एबिलिटी को हासिल कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें हमारे शरीर में मौजूद एनर्जी स्टेट्स के बारे में जानना होगा, जो कि 114 होते हैं। इन्हें चक्रास भी कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। योग शास्त्रों के अनुसार इन 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए एक अलग अलग साधना करनी पड़ती है। इन सभी चक्र में से 6वां चक्र है आज्ञा चक्र, जो ठीक माथे पर रहता है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।